हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे आरडीएमएस के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उन पर आज बात करने वाले हैं। तो डेटाबेस में आपको जैसे पता ही है कि डेटाबेस में टेबल्स का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, और टेबल्स में कंटेंट जो होते हैं वो कॉलम्स और रो की फॉर्म में होते हैं। तो अ टेबल इज़ अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यू दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ अ वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पर टेबल्स जो बनती हैं उसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं विच आर आइडेंटिफाइज बाई देयर नेम एंड हॉरिजेंटल रोज, जिन्हें हम फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो कॉलम्स और फील्ड्स, इसी को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो अगर कोई वर्ड आ रहा है एट्रीब्यूट्स, तो इसका मतलब है हम फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम कॉलम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा। कॉलम जो होता है वो डेटा का एक सेट होता है दैट डेटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप। ये एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है, एक ही टाइप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस फील्ड में या उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड डेटा होता है। वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। रो और रिकॉर्ड्स, रो को हम रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स, जैसे हम फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं वैसे ही रिकॉर्ड्स को हम ट्यूपल्स कहते हैं। ट्यूपल्स, एक रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें हम जब ग्रुप करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ट्यूपल्स। रो ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और ट्यूपल्स रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। देर आर डिफरेंट वे टू क्रिएट अ टेबल। अलग अलग तरीके होते हैं टेबल को बनाने के। तो एक होता है डिज़ाइन व्यू, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जाए। पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल्स, या फिर हम विजार्ड का यूज़ करते हैं टेबल को क्रिएट करने में। बाई डिफॉल्ट द फील्ड विल हैव टेक्स्ट वैर कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, इसको शॉर्ट में हम वेरिएबल कैरेक्टर्स कहते हैं। जो फील्ड होती है वो वेरिएबल कैरेक्टर्स से मिलकर बनती है, और उसको नाम देते हैं, जैसे नेम, स्टूडेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर से मिलकर बन रहा है, ऐसे ही स्टूडेंट एज। इसका टाइप अलग हो सकता है, लेकिन ये जो फील्ड का नाम दिया जा रहा है वो वेरिएबल कैरेक्टर से मिलकर है। बेस ऑटोमेटिकली एड्स कॉलम्स टू सेट अ प्राइमरी की। यहाँ पर प्राइमरी की जो होती है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। जो पहली फील्ड हम लोग नॉर्मली रखते हैं वो प्राइमरी की के लिए रखते हैं। अगर नहीं रखते तो जिस फील्ड को हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी की, उसे हम प्राइमरी की के तौर पर सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज जो पहली फील्ड होती है उसको वो प्राइमरी एज्यूम कर लेता है, बाई डिफॉल्ट एज्यूम कर लेता है कि जो पहली फील्ड है वो प्राइमरी फील्ड है। विच विल हेल्प द यूजर टू एंटर द यूनिक वैल्यूज, हेल्प इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद द अदर टेबल्स टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। और ये फील्ड, प्राइमरी फील्ड जो होती है वो मदद करती है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, क्रिएट करने में, ताकि दूसरी टेबल्स को जो है पहली वाली टेबल से कनेक्ट किया जा सके, और मल्टीपल टेबल्स के डेटा को एक साथ एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ऑप्शंस टू सेट अ प्राइमरी की, क्या चीज़ें होती हैं प्राइमरी की को बनाने के लिए या प्राइमरी की को सेलेक्ट करने के लिए। यू आर आस्क्ड टू सेट अ प्राइमरी की फॉर टेबल यू जस्ट क्रिएटेड। यू कैन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सेट द प्राइमरी की और लीव द टेबल विदाउट अ प्राइमरी की। कभी कभी हम क्या होता है कि बिना कोई प्राइमरी की डाले हुए टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ हो सकती है कि अगर हम कई सारी टेबल्स बना रहे हैं और प्राइमरी की नहीं है, तो फिर हम किस बेसिस पर उन फील्ड्स को कनेक्ट करें या उन टेबल्स को एक दूसरे से जोड़ें। ये प्रॉब्लम्स आ जाती है रिलेशनल डेटाबेस में, तो अक्सर प्राइमरी की हमको बनानी ही पड़ती है। इफ़ यू क्लिक यस, द एप्लीकेशन विल सेट द प्राइमरी की फॉर द फर्स्ट फील्ड क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। और अगर हम कोई फील्ड नहीं बनाते, जैसे इसने कहा कि अगर आपने कोई प्राइमरी की नहीं रखी है, तो वो पहली पहली फील्ड को ही प्राइमरी एज्यूम कर लेता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि अगर आप प्राइमरी की नहीं डिसाइड करते हो, तो वो अपने आप मान लेता है कि पहली फील्ड जो है वो प्राइमरी की है।
और अगर आप प्राइमरी की उन में से किसी को डिसाइड करते हो, असाइन कर देते हो, तो फिर वो उस फील्ड को ही प्राइमरी की मानता है। जैसे मान के चलते हैं कि चार फील्ड का एक रिकॉर्ड है, तो चारों फील्ड जो हैं उनमें से मान लिया आपने थर्ड वाली फील्ड को प्राइमरी की बना दिया। अब ये इसी फील्ड को प्राइमरी एज्यूम करेगा, लेकिन आपने अगर कोई फील्ड नहीं प्राइमरी की बनाई थी तो ये क्या करेगा, ये पहली वाली फील्ड को ही प्राइमरी मान लेगा, इस वाली फील्ड को वो प्राइमरी की मान लेगा। डेटा टाइप, डेटा कितनी तरीके के होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे तरीके के डेटाज हैं जो आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। उनमें से कुछ डेटा यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वैल्यू आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटा बेस। ये डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि किस फील्ड में किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं। हर फील्ड को एक डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फील्ड थीम्स themselves can be a different type of depending on the data they contains। फील्ड जो होती हैं वो डेटा के ऊपर डिपेंड्स होती हैं। डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज लिस्टेड बिलो। यहाँ पर पांच मेन कैटेगरीज हैं जिनमें कि ऑफिस, ओपन ऑफिस, जो कि एप्लीकेशंस जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो ओपन ऑफिस है, तो वहाँ पर डेटा टाइप्स फाइव टाइप्स के डिफाइन किए गए। एक्सेस में आपको इससे ज़्यादा डेटा टाइप्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइव जो है डेटा टाइप्स, उनमें है न्यूमरिक डेटा, अल्फा न्यूमरिक डेटा, बाइनरी टाइप, डे टाइप एंड अदर वेरिएबल टाइप। ये जो रिमेनिंग और सारे हैं वो अदर वेरिएबल टाइप्स में, जो इन चारों को बिलोंग नहीं करते वो अदर वेरिएबल टाइप्स में चले जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूमरिक डेटा की। तो न्यूमरिक डेटा जिनमें नंबर्स का यूज़ किया जाता है, न्यूमरिक डेटा टाइप्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द न्यूमरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन टेबल फॉर डेटाबेस। न्यूमरिक डेटा टाइप्स इज द डेटा बेस कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर्स। लेकिन मोबाइल नंबर में मैंने एक और बात कही, अगर प्लस साइन का यूज़ किया जा रहा है तो वो अल्फा न्यूमरिक में चला जाएगा, अदरवाइज केवल नंबर का यूज़ किया जा रहा है तो वो न्यूमरिक टाइप में लिख सकते हैं। रोल नंबर्स, डोर नंबर्स, ईयर ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल ईयर ऑफ स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पर डेट ऑफ स्कूल की बात नहीं है, एडमिशंस की बात नहीं हो रही। एडमिशंस, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें इन्हीं डेटा टाइप्स में बिलोंग करती हैं। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स में भी न्यूमरिक वैल्यूज। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरिक डेटा टाइप्स अवेलेबल आर लिस्टेड हेयर, बूलियन, टिन इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर। बूलियन में जीरो और वन की फॉर्म, टिन इंट छोटा इंटीजर टाइप, स्मॉल इंट उससे बड़ा, टिनी से बड़ा, और इंटीजर से छोटा, मतलब एक रेंज में वैल्यूज को देखने की, और इंटीजर उससे बड़ा, फिर लॉन्ग इंटीजर आता है, फिर ऐसे ही इंटीजर के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनकी वैल्यूज, ये बूलियन सबसे कम बाइट्स इस्तेमाल करता है, उसके बाद टिनी इंट इस्तेमाल करता है, उसके बाद स्मॉल इंट, उसके बाद इंटीजर। इस तरीके से डेटा की साइज बढ़ती जाती है बाइट्स में। फिर आता है अल्फा न्यूमरिक डेटा या वैर कैरेक्टर या कैरेक्टर टाइप्स ऑफ डेटा। वेरिएबल कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स टाइप्स डेटा जो होते हैं वो अल्फा न्यूमरिक डेटा में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स की जगह पर कैरेक्टर्स का या सिंबल्स का यूज़ किया जाता है और उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ नंबर, सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अल्फा न्यूमरिक डेटा। फिर आता है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा में किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है? बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटा बेस कैन बी यूजिंग द स्टोरिंग द फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एट्सेट्रा। अब आप स्टोरिंग कर रहे हैं फोटोज की, तो उसको किस में आप स्टोर करेंगे, पिक्स में या पिक्सल्स में, और उसे हम बाइनरी डेटा टाइप्स में रखते हैं। म्यूजिक की फाइल्स है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे भी हम बाइनरी डेटा टाइप्स में रखते हैं। साउंड की फाइल हो, पिक्चर्स की फाइल हो, वीडियोज की फाइल हो, ये सारी की सारी फाइल बाइनरी डेटा टाइप्स में आ जाती हैं। डेट टाइम्स,
अब डेट, जैसा आपको पता है कि डेट का फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के लिए हम लोग एक डेट और टाइम के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस में भी और एक्सेस में भी। डेट टाइम डेटा टाइम्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन टेबल ऑफ डेटाबेस। अब यहाँ पर असेसमेंट की बात आ रही है कि कौन सी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ा है पॉइंट्स उन्हीं से रिलेटेड। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइज यूजिंग द मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल, ये वर्टिकल फॉर्म कहलाती है। दिस इज वर्टिकल, सो इट इज कॉलम, एंड दिस इज हॉरिजेंटल, और इसे हम रो कहते हैं। अ फील्ड और कॉलम्स एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स और कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स, ये फील्ड्स को ही कॉलम्स कहते हैं और उसी को हम एट्रीब्यूट्स से पहचानते हैं। इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, किसी खास तरीके की टाइप की, वन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल। अ रिकॉर्ड और रो और ट्यूपल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा टाइम आइटम्स इन अ टेबल। सिंगल डेटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। फिर आता है डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ डेटा आर वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डेटा बेस। किस तरीके का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं डेटा, तो डेटा टाइप्स उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर आर टू वेज टू क्रिएट अ टेबल, कौन दो तरीके हैं जो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हैं। एक डिज़ाइन व्यू है, एक विजार्ड। शॉर्ट आंसर्स में, इन हाउ मेनी वेज टेबल्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस। यहाँ पर वही अभी आपने देखा ही है कि डिज़ाइन व्यू की मदद से या फिर विजार्ड की मदद से हम लोग दो तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वाई आर डेटा टाइप्स यूज इन DBMS और RDBMS। डेटा टाइप्स हेल्प्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन टेबल्स। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो डेटा की इंटीग्रिटी, मतलब डेटा के जो एक तरीके से कह लीजिए कि वैल्यूज है उसे मेंटेन रखने के काम में आते हैं। एक तरीके का डेटा एक ही फील्ड में स्टोर हो रहा है जो कि डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमरिक डेटा टाइप्स, किस तरीके की लिस्ट है जो न्यूमरिक डेटा टाइप्स में आती है। जैसे बूलियन है सबसे छोटा डेटा टाइप जिसको जीरो या वन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिट बिट मतलब सबसे छोटा डेटा टाइप। उसके बाद ये टिनी बिट इंट आता है जिसमें बिट का यूज़ किया जाता है। बिट सिंगल बिट से ज़्यादा बिट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा स्मॉल इंट में, उससे ज़्यादा इंटीजर में, उससे ज़्यादा बिग इंट में, फिर न्यूमरिक, फिर डेसिमल, फिर रियल। डेसिमल का मतलब है पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। रियल उसी में दोनों पॉइंट में दोनों वैल्यूज को मिलाकर जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको अलग कर दिया जाता है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फ्लोट उससे बड़ी वैल्यूज और डबल उससे बड़ी वैल्यूज। तो इतनी तरीके के डेटाज होते हैं जो कि सब न्यूमेरिक डेटा है, जिनमें सबसे छोटा डेटा बिट को रिप्रेजेंट करता है और उससे बाद कई सारे बिट से मिलकर टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल आते हैं। डबल सबसे बड़ा डेटा टाइप इंटीजर का और बूलियन सबसे छोटा डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स। तो दो तरह के डेटा होते हैं, एक कैरेक्टर जिसमें केवल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर जिसमें सिंबल्स और कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरिक डेटा टाइप्स, अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो इसे हम DDL कमांड्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। DDL कमांड्स डिफाइन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्यूपल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल। तो ट्यूपल्स आपको पता ही है कि टेबल्स में रो को रिप्रेजेंट करता है। रो और रिकॉर्ड आर नोन एज ट्यूपल्स, और कॉलम्स एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पर ट्यूपल्स हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि रो है, और एट्रीब्यूट्स आर वर्टिकली प्रेजेंट। नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स में देखिए मैंने आपको बताया जीरो और वन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल बाइनरी एंड लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी और बाइनरी, तीन तरीके के वैल्यूज होती हैं। लॉन्ग वेरिएबल
जो होता है वेरिएबल, इनकी साइज बदल जाती है। ये सिंगल बिट से रिप्रेजेंट करता है बाइनरी, और यहाँ पर वैल्यूज कैरेक्टर्स और वेरिएबल कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट करी जाती हैं, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती हैं।